चलिए वेलकम स्टूडेंट्स, आज का विशेष सेशन में आप लोग सबको आमंत्रित हैं। वेलकम टू द स्पेशल सेशन टुडे, KSIS एकेडमी वेलकम्स यू ऑल टू दिस सेशन ऑन प्रिपरेशन ऑफ PT। तो चलिए आज का चर्चा बहुत ही विशेष है। Today we have come together to talk specifically कि आज 19 अगस्त है और 4 अक्टूबर को हमारा PT का परीक्षा होने वाला है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोग इस परीक्षा को क्वालिफाई करें। वी शुड कम आउट, वी शुड बी थॉरो, वी शुड बी थ्रू विद दिस एग्जामिनेशन। तो अब बचे हुए दिनों में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या हम लोग को जानना है, क्या हम लोग को पढ़ना है, किस चीज पे, किस मुद्दे पे हम लोग को ज्यादा ध्यान देना है और किस टॉपिक को हम लोग अब छोड़ सकते हैं। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। और चलिए इस चर्चा को बढ़ाने से पहले आज का कुछ हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं कि आज जो हमारा क्लास होगा वो किस किस मुद्दे पे आधारित होगा। तो पहला जो हमारा मुद्दा रहेगा वो है एग्जाम सिनेरियो। अभी जो कितने बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, कितने बच्चों से हमारा कंपटीशन है, उस पर हम लोग इस टॉपिक के तहत कवर करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि कट ऑफ मार्क्स 2020 के PT का कितना संभावित है। मींस What is going to be tentative cut off marks in this PT? General students के लिए कितना cut off होगा, OBC के लिए कितना होगा, SC ST के लिए कितना होगा, physically disabled के लिए कितना होगा, उस पर जरा हम लोग चर्चा करेंगे। जब पहले तीसरे पॉइंट पे हम लोग चर्चा कर लेंगे, फिर हम लोग आएंगे तीसरे पॉइंट पे कि कौन कौन सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन संभावित है। और इस सेगमेंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या पढ़ना चाहिए और क्या हम लोग छोड़ सकते हैं। चौथा हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सा बुक्स हम लोग को पढ़ना चाहिए। पांचवा हम लोग CSAT और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में, उसके महत्व के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। और छठा आपका कंक्लूजन होगा, आपका निष्कर्ष होगा कि अब बचे हुए एक महीना या सवा महीना में कौन सा रणनीति अपनाए ताकि हमारा ये एग्जाम क्लियर हो जाए। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ रहा हो, ये डिस्कशन आपके समझ में आ रहा होगा, दिखाई दे रहा है बच्चों, दिखाई दे रहा है। कोई कमेंट्स आप लोगों का नहीं आ रहा है मेरे पास। आई एम अनेबल टू गेट योर कमेंट्स प्लीज। हाँ स्टूडेंट्स दिखाई दे रहा है, चर्चा करें हम लोग, चर्चा स्टार्ट करें, चर्चा स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये दिखाई दे रहा है, चलिए
अब हम लोग एग्जाम सिनारियों की बात करते हैं। अब हम लोग पीटी के एग्जाम 2020 एग्जाम 2020 के एग्जाम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस एग्जाम में करीब 9 लाख बच्चे 9 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं। देयर आर अबाउट 9 लाख स्टूडेंट्स हु हैव फिल्ड अप दिस फॉर्म। लेकिन घबराने की बात नहीं है, इनमें से इन 9 लाख में से 50% बच्चे 50% बच्चे परीक्षा देने नहीं जाएंगे। यानी इस फिगर को आप 4.5 लाख भी बोल सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि 4 लाख स्टूडेंट परीक्षा देंगे। दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट दिखाई दे रहा है कि 2020 में करीब 9 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं, लेकिन मुश्किल से 4 लाख बच्चे ही परीक्षा देंगे। अब यह सवाल उठता है कि ऐसा क्यों, 9 लाख में से सिर्फ 4 लाख बच्चे ही एग्जाम देंगे, ऐसा क्यों? एनीवे, पहला तो ये निष्कर्ष इसलिए कहा जा रहा है कि पिछले 5 साल से या 10 साल से आप देखेंगे यही ट्रेंड चल रहा है कि करीब करीब 55% बच्चे परीक्षा नहीं देते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का कुछ कारण है और इस कारण का हम लोग विश्लेषण करेंगे, तभी दूसरे मुद्दे पे हम लोग पहुंच सकते हैं। तो पहला कारण यह है कि यूपीएससी का फॉर्म भरने का बहुत सारा कारण होता है। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि इसी परीक्षा के लिए, इसी नौकरी के लिए वो लोग जन्म लिए हैं, तो बिना रणनीति का, बिना सोचे समझे वो फॉर्म भरते हैं और फिर बैकआउट कर जाते हैं। कुछ बच्चे इस परीक्षा का फॉर्म इसलिए भरते हैं कि शादी ब्याह में मदद करेगा। यूपीएससी का एडमिट कार्ड से आपका जो मैरिज मार्केट है, शादी ब्याह का जो बाजार है, उसमें एक सोशल स्टेटस मिल जाता है कि शादी के लिए भी कुछ बच्चे परीक्षा का फॉर्म भरते हैं। लेकिन परीक्षा शुरू होते होते यानी 4 अक्टूबर 2020 तक आप देखेंगे, 4 अक्टूबर 2020 तक आप देखेंगे कि करीब 4.5 लाख बच्चे इसे निकल गए और इसकी गूंज आपको सुनाई दे रही होगी। इसकी गूंज आपको इसलिए सुनाई दे रही होगी कि बहुत सारे बच्चे अब ये सोचने लगे हैं कि 4 अक्टूबर का भी परीक्षा पोस्टपोन हो जाए। तो जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि 4 अक्टूबर का भी परीक्षा पोस्टपोन हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि ये बच्चे जो है कुछ एक बहाना खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं जिससे कि वो परीक्षा नहीं दे। तो आपके लिए जो प्रतिस्पर्धा है, आपके लिए जो कंपटीशन है, वो सिर्फ 4 लाख बच्चों का ही है। अब इसमें इन 4 लाख बच्चों में आपको, इन 4 लाख बच्चों से भी आपको नहीं घबराना है, क्योंकि यहां पे लगता है परेटो लॉ, यहां पे लगता है परेटो लॉ। आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, परेटो लॉ क्या होता है? यानी किसी भी घटना में 20% ही कारक होता है 80% की घटना के कारक के रूप में। तो इन 4 लाख बच्चों में, इन 4 लाख के
सिर्फ 20% बच्चों से ही आपको कंपटीशन आने वाला है। आपको जो प्रतिस्पर्धा होगी, आपको जो कंपटीशन होगा, जो मेरिट तैयार होगा, आपको इसी 20% बच्चों से ही, इन्हीं 20% बच्चों से ही आपको कंपटीशन करना है। अब सवाल ये उठता है कि बाकी 80% बच्चों का क्या स्टेटस है? एक तो पहले ही आपके 4,55,000 करीब हट गए, और बाकी जो 45% बच्चे बड़े जो बचे हुए हैं, उसमें सिर्फ आपको 20% स्टूडेंट से ही कंपटीशन करना है। तो बहुत बड़ा सवाल ये उठता है, हमारा रणनीति बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि 80% बच्चे कैसे होते हैं, ये 20% बच्चे कैसे होते हैं। ठीक है, यस अमरिंदर कृष्णा इज करेक्ट, 80% इफेक्ट फ्रॉम 20% कॉजेस। ठीक है, तो पेरेटो रॉ जो है आपका 20%। अब सवाल ये उठता है कि इन 20% में कैसे बच्चे आते हैं और 80% में कैसे बच्चे आते हैं। दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, ये दोनों कॉलम दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तो सवाल उठता है 80% स्टूडेंट्स और 20% स्टूडेंट्स में कैसे कैसे लोग आते हैं। अब आप देखिए कि कुछ बच्चे एक कैटेगरी के बच्चे होते हैं जो 12वीं पास कर लेते हैं और पिछले तीन साल से अपने ग्रेजुएशन, जब तक उनका ग्रेजुएशन हो रहा है, पैरेलली समानांतर वो लोग आईएएस की तैयारी करते हैं। कहने का मतलब कि ऐसे 20% बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका यूपीएससी का पाठ्यक्रम 3 साल का होता है, मतलब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में रहे, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में रहे, ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में रहे, ये 3 साल ये बच्चे अपने मेंस जीएस मेंस ऑप्शन की भरपूर तैयारी करते हैं, और 3 साल होने के बाद जब इनका ग्रेजुएशन हो जाता है, जब इनकी उम्र 21 साल हो जाती है, ऐसे लोग जो हैं परीक्षा में कूदते हैं। तो कुछ बच्चों का प्रिपरेशन आफ्टर 10+2 होता है। उसी तरह कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि चांस पे, नंबर ऑफ चांस और उम्र पे उनका रणनीति बनता है। जैसे कि जनरल की हम लोग बात करें, जनरल कैटेगरी की बच्चों की बात करें, तो जनरल कैटेगरी में उम्र सीमा, समय जो उम्र सीमा है, एज लिमिट है, वो है आपका 32 साल 32 ईयर्स, और चांस है आपका 6 साल, चांस है 6 अटेम्प्ट। ओबीसी में वही आपका 9 अटेम्प्ट हो जाता है। तो उदाहरण, चलिए उदाहरण लेते हैं जनरल के बच्चों का, जिनके पास 6 अटेम्प्ट होता है और 32 साल होता है, तो ये बच्चे मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं कि 32 उम्र जो कि लास्ट समय सीमा है, उसमें -6 कर लें, यानी 26 वर्ष। तो ये बच्चे, ऐसे बच्चे ये सोचते हैं कि 26 वर्ष से हम लोग यूपीएससी की परीक्षा देते हैं, और 21 वर्ष और 26 वर्ष के बीच में वो प्रैक्टिस करते हैं। तो भैया कैसा प्रैक्टिस करते हैं? तो वो सिपाही से लेके दरोगा तक हर एक परीक्षा का फॉर्म भरते हैं, और 26 वर्ष तक ये दरोगा का परीक्षा देते हैं। ऐसे बच्चों की उस एग्जाम में, दरोगा, सिपाही, एसएससी में जो सक्सेस रेट है, ये क्वेश्चन मार्क हो जाता है।
क्यों क्वेश्चन मार्क हो जाता है? क्वेश्चन मार्क इसलिए हो जाता है कि जहां तक मेरा अनुभव है इन बच्चों के साथ, इनका बेस बहुत चौपट हो गया होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ ऐसे बच्चों के संपर्क में आए हैं, उदाहरण के लिए लीजिए, जो कि हिमालय पर्वत को यंग फोल्ड माउंटेन इसलिए कहते हैं कि वो इरेक्ट है, इसलिए कहते हैं कि वो बर्फ से जमा हुआ है। मतलब उनके अनुसार विलय पर्वत वो पर्वत होता है जो बर्फ से जमा हुआ है, और मेरे समझाने पे भी उनको समझ नहीं आता है, क्योंकि उनके जो महागुरु थे इस तरह से समझा दिए। और ये बच्चे जो हैं, वही गलत कॉन्सेप्ट लेके जो 21 वर्ष और 26 वर्ष के बीच में इधर उधर गलत गलत कॉन्सेप्ट के, गलत गलत तथ्य के छत्र छाया में आते हैं और इनका बेस चौपट हो जाता है। और जब 26 साल होता है तो ये 26 साल जैसे ही होता है, उनको ये लगता है कि आह, वो समय आ गया जिसके लिए मेरा जन्म हुआ था। मेरा जन्म आईएएस के लिए हुआ था, हम सिपाही नहीं बने तो क्या हुआ, हम सीधे आईएएस बन जाएंगे। तो ऐसे बच्चों से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे बच्चे आपके 80% में आएंगे। इसका कारण क्या है? क्योंकि मान लीजिए ये बच्चे गलती से पीटी वो क्वालिफाई भी कर गए, तो पीटी क्वालिफाई करने के बाद इनके पास 3 महीना उतना पर्याप्त समय नहीं होता है कि मेंस की तैयारी करें। आप ऑप्शनल की तैयारी, जीएस मेंस की तैयारी 3 महीना में नहीं कर पाएंगे। तो एक ये विशियस सर्कल में फंस जाते हैं। और हो सकता है कि ऐसे बच्चों का, जो कि पहले अटेम्प्ट में इनका पीटीए क्वालिफाई कर भी ले, अगले साल पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारा समय इनका मेंस का तैयारी में लग जाता है, जिसको कि वो जीरो से स्टार्ट करते हैं। ऊपर से इनका कॉन्सेप्ट का मिस फॉर्मूला इनको चौपट कर देता है। तो आपके जो परेटो लॉ में जो बच्चे अपना परीक्षा 26 के उम्र में चालू करते हैं, उन बच्चों से भी आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यूपीएससी खास करके 1.5 से 2 साल का संपूर्ण तैयारी मांगती है। यदि आप 1.5 से 2 साल तक पढ़ चुके हैं, आपका ऑप्शनल, आपका जीएस सब कुछ तैयार है, तो आप मैदान में कूदिए और आप 20%, आप ये 20% बच्चे में आप आएंगे। बाकी बच्चों से आपको डरने की जरूरत नहीं है। और इन 20% बच्चों में वो लोग भी होंगे जो 2019 में आईपीएस जिनको मिला होगा, इनकम टैक्स मिला होगा, एलाइड सर्विसेज मिला होगा, ग्रुप बी मिला होगा, और वो इम्प्रूवमेंट देना चाहेंगे। तो आपको आपका कंपटीशन 2 तरीके के बच्चों से होगा। एक बहुत यंग, जो कि तुरंत ग्रेजुएशन किए हैं, क्योंकि वे अपने साथ एनर्जी लेके आएंगे, उनका 3 साल का पहले का पढ़ाई रहेगा, 3 साल लगातार वो मेंस की पढ़ाई करते रहे होंगे और वो पीटी की परीक्षा में बैठेंगे। और दूसरे तरफ आपको उन बच्चों से कंपटीशन होगा जो बच्चे पिछले साल 2019 में क्वालिफाई कर गए होंगे, पूरी तरह से क्वालिफाई कर गए होंगे और इम्प्रूवमेंट के लिए इस साल बैठे होंगे। तो अब ऐसे स्थिति में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? तो इस स्थिति में आपकी रणनीति, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए
इसको जरा हम लोग कट ऑफ मार्क्स के आधार पर और थोड़ा सा स्पेसिफिक करते हैं, और इसको विशेष आपके कट ऑफ मार्क्स के आधार पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, दिखाई दे रहा स्टूडेंट, यदि कोई पॉइंट चाहिए आप डिस्कस करना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। ये कट ऑफ मार्क्स, ये कट ऑफ मार्क्स आप कैसे निकालते हैं, हाउ डू यू कैलकुलेट द कट ऑफ मार्क्स। ये जो आपका कट ऑफ मार्क्स है, दिखाई दे रहा है, ये कैसे निकलता है। ये कट ऑफ मार्क्स निकालती है यूपीएससी, ये कट ऑफ मार्क्स निकलता है सिलेक्शन के बाद। कि क्या इसमें सिद्धांत अपनाया जाता है, क्या इसमें प्रिंसिपल अपनाया जाता है, तो इसमें प्रिंसिपल ऐसा अपनाया जाता है, मान लीजिए वैकेंसी जो है आपका 1000 है, यूपीएससी वैकेंसी निकालती है, और इस वैकेंसी में 1000 वैकेंसी है, तो नीचे से यदि शुरू करेंगे तो इंटरव्यू में क्या करती है जनरली सामान्यता, इसके 2.5 से 3 गुना बच्चों को इंटरव्यू में बुलाया जाता है, 2.5 से 3 गुना बच्चों को इंटरव्यू में बुलाया जाता है। इसका मतलब कह लीजिए इंटरव्यू में 2500 से 3000 कैंडिडेट आते हैं। इंटरव्यू से पहले जो मेंस होता है, जो मेंस, इसमें कह लेके चलिए 12.5 से 15% बच्चों को बुलाया जाता है, यानी मेंस में 12000 बच्चों से लेके 15000 बच्चों को, 15000 कैंडिडेट्स को जो है बुलाया जाता है। और इसी 12000 से लेके 15000 श्रेणी, यानी मेंस में जितने बच्चों को बुलाया जाएगा वहीं से आपका कट ऑफ निकलता है। जैसे कि समझिए, ये आपके 15000 बच्चों को मेंस में बुलाया जा रहा है, 15000 बच्चों को मेंस में बुलाया जा रहा है। और फॉर एग्जांपल आप जनरल यानी समान कैटेगरी के बच्चों को 50% बच्चों को आपको लेना है, जो आरक्षण का नीति है, यानी कि 15000 बच्चों में से आप जो है आपको 7500 बच्चों का चयन करना है मेंस के लिए, मीन 7500 जनरल कैंडिडेट के बच्चों को चुनना है जो मेंस का परीक्षा देंगे, यानी यही 7500 बच्चों को पीटी से क्वालिफाई किया जाएगा। तो ऐसे स्थिति में किया जाता है कि मार्क्स के आधार पर जितना आपके पीटी में अंक आया है उसके आधार से 1000 से लेकर 17000 बच्चों तक, एक से 7500 बच्चों तक गिना जाता है, और जो अंतिम 7500 स्टूडेंट्स है उसका जो स्कोर होता है वो आपका कट ऑफ स्कोर हो जाता है। तो यहाँ पे मेरिट के आधार पे कट ऑफ स्कोर निकलता है। ये समझ में आया स्टूडेंट्स, ये समझ में आया, तब हम लोग जो है कट ऑफ की बात करते हैं। अब हम लोग जो है कट ऑफ की बात करते हैं, ये समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो चलिए, पिछले 3 साल का हम लोग कट ऑफ देखते हैं। यह है 2017 का कट ऑफ, यह है 2018 और यह है 2019। इसमें हम लोग जनरल
ओबीसी, एससी, एसटी एंड पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मतलब होता है जिनको या तो कोई हड्डी में प्रॉब्लम हो, या दिखाई ना दे रहा हो, या सुनाई ना दे रहा हो, तो उसको हम लोग PWBD कैटेगरी में रखते हैं। यदि 2017 में आप जनरल का कट ऑफ देखेंगे तो वो था 105.34 और ओबीसी का देखेंगे तो वो था 102.66 और यदि एससी का देखेंगे तो 88.66, एसटी का देखेंगे तो ये भी 88.66 रहा था, ये भी आपका 88.66 रहा था। और इसमें पर्सन विद फिजिकली हैंडीकैप में 85 से लेके 40 तक रेंज था कट ऑफ पर, जिससे अलग अलग श्रेणी में अलग अलग मार्क्स था। वही 2018 में आप देखिएगा, 2018 में देखिएगा तो जनरल का कट ऑफ था 98, जनरल का कट ऑफ था 98 और ओबीसी का कट ऑफ था, ओबीसी का कट ऑफ था 96.66 और एससी का कट ऑफ था 84 और एसटी का कट ऑफ था आपका 83.34 और आपका पर्सन विद फिजिकली डिसेबल्ड इनका जो था वो 73 से लेके 45 तक था। ये दिखाई दे रहा है बच्चों आप लोगों को, इज इट क्लियर? अब आ जाइए 2019 के कट ऑफ में, तो 2019 के कट ऑफ में देखिएगा तो जनरल का 98, ओबीसी का 95.34, एससी का 82, एसटी का आपका 77.34 और आपके पीडब्ल्यूबीडी का आप कह सकते हैं वो 61 से लेके 53 तक, ये इनके श्रेणी में। अब आप एनालिसिस करें, यदि आप एनालिसिस करेंगे तब आपको लगेगा कि जनरल का कट ऑफ जो है वो कह लीजिए 98 से लेके 105 तक रहता है, या कह लीजिए टू बी ऑन सेफ साइड 98 से लेके 106 तक। ये ओबीसी और जनरल के कट ऑफ में ज्यादा का अंतर नहीं होता है। तो इसमें देखेंगे ओबीसी में भी आप 95 से लेके 103 कट ऑफ कह सकते हैं, एससी में देखेंगे तो आप 82 से लेके 88 तक कट ऑफ रहा है और एसटी में देखेंगे तो 83 से लेके 89 तक ये कट ऑफ रहा है। इनफैक्ट एससी को भी आप 89 ही बना लें और श्रेणी के आधार पे आपका पीडब्ल्यूडी ग्रुप में या फिजिकली हैंडीक्राफ्ट ग्रुप में अलग अलग जो है कट ऑफ हो जाता है, लेकिन 75 इसका मैक्सिमम है। तो यदि हम लोग बात करें नंबर ऑफ कट ऑफ के आधार पे नंबर ऑफ सही क्वेश्चन, तो यहां पे आपका निष्कर्ष निकलता है। यानी हम लोग 106
एक क्वेश्चन पे टोटल आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलता है, और मान के चलिए टू बी ऑन द सेफ साइड आपको जनरल में 110 नंबर लाना है, तो आपको 55 क्वेश्चन को सही करना है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 55 क्वेश्चन सही करना है। वही ओबीसी के बच्चों को आप मान के चलिए 105, मान के चलिए 105, तो आपको कम से कम 52 क्वेश्चन 52 क्वेश्चन सही करना है। उसी तरह एससी एसटी के बच्चों को मान के चलिए आपको 45 क्वेश्चन जो है सही करना है, एससी एसटी के बच्चों को 44 जो है क्वेश्चन सही करना है, और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को 40 क्वेश्चन सही करना है। तो ये एक रफ एस्टिमेट है जो 2020 में सही साबित होगा। यदि आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो 55 क्वेश्चन आपको सही करना है, यदि आप ओबीसी में हैं तो 52 क्वेश्चन सही करना है, यदि आप एससी में हैं तो 45 क्वेश्चन सही करना है, यदि आप एसटी में हैं तो 44 क्वेश्चन सही करना है, और यदि फिजिकली डिसेबल्ड ग्रुप में हैं तब आपको 40 क्वेश्चन आप सही करेंगे तब आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ये फॉर्मूला, ये जो टेक्निक है, ये समझ में आया स्टूडेंट्स? ये टेक्निक समझ में आया? ये टेक्निक समझ में आया स्टूडेंट्स? बच्चों ये टेक्निक समझ में आया? अच्छा, हम लोग कट ऑफ मार्क्स समझ गए। अब सवाल उठता है कि ये कट ऑफ मार्क्स वाले जनरल में 55 लाना है तो कौन कौन से सेगमेंट से कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा। एक रफ एस्टिमेट हम लोग बनाते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन सा कितने क्वेश्चन आने का संभावना है। तो हमारा नया हेडिंग हो जाता है टारगेट टॉपिक्स। टारगेट टॉपिक्स ये हमारा नया हेडिंग हो जाता है। अब ये टारगेट टॉपिक्स में अब हम लोग डिवाइड करते हैं करंट अफेयर्स, जिसको कि आप सम साइकी बोलते हैं, जिसको कि आप रेलवे परीक्षा के भाषा में, बैंकिंग परीक्षा के भाषा में इसको जनरल अवेयरनेस कहते हैं, लेकिन यूपीएससी का करंट अफेयर्स इज बेटर डेप्थ। करंट अफेयर्स में मान के चलिए कि आपको 30 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से आएगा। नंबर टू जो सेक्शन है वो है इकोलॉजी एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, और इससे करीब 15 क्वेश्चन, करीब करीब 15 क्वेश्चन का आप उम्मीद कर सकते हैं। तीसरा है वो है ज्योग्राफी, वो है ज्योग्राफी, इससे आप 10 क्वेश्चन का उम्मीद कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन, और इनफैक्ट आपको एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और ज्योग्राफी साथ पढ़ना चाहिए, आपको पर्यावरण, पारिस्थितिकी और भूगोल साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये तीनों इंटर रिलेटेड है और इससे आपका 25 क्वेश्चन सेव हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं, ये है आपका हिस्ट्री एंड कल्चर, इतिहास और संस्कृति।
इससे आपको 15 से 17 क्वेश्चन आएगा। अच्छा, हिस्ट्री एंड कल्चर में यदि सिर्फ इतिहास की बात करें तो यूपीएससी में प्राचीन इतिहास पे यदि कॉन्सेंट्रेट करते हैं आप तो आपका कल्चर का पोर्शन सही हो जाता है, और कल्चर से 5 से 7 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और यदि आप भारतीय स्वतंत्र संग्राम को मास्टरी कर लेते हैं, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल को मास्टरी कर लेते हैं, तो वो आपका हिस्ट्री का पोर्शन आपको मदद कर देगा। यानी हिस्ट्री और कल्चर मिला के 15 से 17 क्वेश्चन आएगा, जिसमें कि आप प्राचीन भारतीय इतिहास, जिसमें कि आपका कल्चर हो, संस्कृति हो, उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, और मॉडर्न इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल पे कॉन्सेंट्रेट करें। इससे फायदा क्या होगा कि ये 15 से 17 क्वेश्चन आपको मालूम चल जाएगा, आप इसको बना पाएंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास से यूपीएससी पीटी में क्वेश्चन 9 के बराबर है, आईएएस के पीटी में मेडिवल इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत ही कम या 9 के बराबर है, और वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछा जाता है। तो इस एरिया को कॉन्सेंट्रेट करना बेवकूफी रहेगा फिलहाल, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, पांचवा जो सेक्शन है वो है आपका सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक और आर्थिक विकास। इस पे आपका 10 क्वेश्चन आएगा, दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स। हाँ, अब इसके बाद आपका छठा है पॉलिटी, जिसको कि आप संविधान के रूप में समझते हैं, जिसको आप गवर्नेंस के रूप में समझते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका 10 क्वेश्चन आएगा। और सातवां जो टॉपिक रहेगा वो है आपका जनरल साइंस प्लस कुछ आपका टेक्नोलॉजी, और इसमें से करीब 7 से 8 क्वेश्चन आएगा। तो ये रहा एक संभावित, एक प्रोजेक्टेड बेस्ड ऑन पास्ट ईयर्स ट्रेंड, कि इस तरह से क्वेश्चन का जो है मोरलेस 14 का 13 हो सकता है, 10 का 12 हो सकता है। तो इस तरह का ट्रेंड आपको आईएएस 2020 में भी मिलेगा। अब यहां तक तो हम लोग समझ लिए, आगे सवाल ये उठता है कि मान गए करंट अफेयर्स में 30 क्वेश्चन है, इसको पढ़े कैसे? जनरल साइंस में 7 क्वेश्चन है, इसको पढ़े कैसे? हिस्ट्री में 15 क्वेश्चन है, इसको पढ़े कैसे? इकोलॉजी में 10 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, इसको पढ़े कैसे? इस कम समय में रणनीति कैसे अपनाएं? तो इसकी चर्चा हम लोग ब्रेक के बाद करते हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप के मैसेज से पूछ लीजिए, ब्रेक के बाद उस क्वेश्चन को हम लोग टेक ओवर करते हैं। थैंक यू।